ज्येष्ठ नागरिक संघ ने आज नेरुल में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक मौजूद थे। यहां वनस्पति चिकित्सक आबा रनवरे ने औषधीय पौधों के जरिए सेहत और पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे इसका मार्गदर्शन किया, जिसका वरिष्ठ नागरिकों में अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट। नेरुल के वरिष्ठ नागरिक भवन में आज औषधीय पौधों की प्रदर्शनी देखने लायक रही। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ज्येष्ठ नागरिक संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में निसर्ग प्रेमी और वनस्पति चिकित्सक आबा रनवरे ने औषधीय पौधों का गुणधर्म बताते हुए उसके उपयोग से कैसे सेहतमंद रहें इसकी विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी मार्गदर्शन किया। म्हणजे एक व्यक्ती नसून एक संस्था आहे असं माझं मत आहे। तर खूप चांगलं काम करतायत, वनस्पती तज्ञ आहेत। प्रत्येक वनस्पतीचं जे औषधी मूल्य आहे त्याचाही त्यांनी अभ्यास केलेला आहे। प्रत्येक व्याधीवरती कुठली तरी वनस्पती नेरुल के ज्येष्ठ नागरिक संघ द्वारा पर्यावरण जागरूकता के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला। कार्यक्रम में पर्यावरण दक्षता मंडल थाने के अध्यक्ष प्रोफेसर विद्याधर वालावलकर ने जहां वृक्षारोपण और ई वेस्ट के सदुपयोग पर जोर दिया और नागरिकों को सावधान रहने की अपील की, वहीं निसर्ग प्रेमी और वनस्पति चिकित्सक आबा रनवरे ने औषधि पौधों के जरिए स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित किया। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। भाई, पर्यावरण के बारे में ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने चाहिए जिसके लोगों के मन में जो शंका है ना, उसके बारे में उनको आंसर मिलना चाहिए और उनका मन मीन्स उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। क्योंकि सबको लगता है कि अच्छा पर्यावरण रहे, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं उनको अभी आबा रनवरे जैसे काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं जिनके माध्यम से यह परिवर्तन हो रहा है। और यह परिवर्तन में हर एक का अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन है और वो करने के लिए हर एक में तैयार होना चाहिए। इसलिए मैं सब जगहों पर जाके सब लोगों को आह्वान करता हूँ कि हर एक आदमी इसमें काम कर सकता है। जैसा हमको समझेगा पर्यावरण, वैसा दूसरे को समझाना चाहिए। और जैसे हम लोग समझाएंगे वैसे ही परिवर्तन होगा और सभी समाज में जैसे परिवर्तन होगा वैसे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। ज्येष्ठ नागरिक संघ नेरुल, इन्होंने जो कार्यक्रम का आयोजन किया उसमें हमने ये बहुत सारी जड़ी बूटी का जानकारी ये सीनियर सिटीजन्स को दिया है और उसका झाड़ उसका कांडी लगाने के लिए दिया। और भी किचन में जो जो रहता है अपने शरीर के लिए उसकी भी जानकारी महिला मंडल को दी है। और ये जो उपक्रम ज्येष्ठ नागरिक संघ ने जो किया है बहुत स्तुत्य उपक्रम है। मेरे साथ में जो ये प्राध्यापक विद्याधर वालावलकर सर को जो आज बुलाया, इतना खुशी हुआ है कि आज उनके पास बहुत बड़ा साहित्य है। लोगों को जन जागृति करने का ये काम है और ये ज्येष्ठ नागरिक के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके लिए मैं उनका बहुत आभार मानता हूँ और ऐसा काम हर संस्था ने करना चाहिए। कार्यक्रम में नागरिक संघ के अध्यक्ष अरविंद वालवेकर, पांडुरंग क्षेत्र माड़े, नंदलाल बैनर्जी, प्रभाकर गुमास्ते, रंजित दीक्षित, दत्तात्रेय मात्रे, दीपक दिघे, सुचित्रा कुंचमवार, अजय महाड़ेकर, दत्ता राम आम्रे समेत संघ के तमाम सभासद और नागरिक मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।
लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।